चंपारण सत्याग्रह का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर सोचा जाए तो इस छोटी सी घटना ने पूरे देश को आंदोलन की एक नई दिशा दी। सत्याग्रह का जो इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था वो एक्सपेरिमेंट बाद के समय में पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में दोहराया गया। और दूसरा सबसे बड़ा बात ये था कि गांधी जी द्वारा भारत में संचालित ये पहला आंदोलन था। इसके पूर्व गांधी भारत की परिस्थितियों से परिचित हो रहे थे। हालांकि इसके पहले जो है सो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने जो है सो आंदोलन सक्सेसफुली चलाया था, लेकिन भारत में अगर सोचा जाए तो पहला आंदोलन गांधी जी द्वारा यही है। हुआ क्या पहले समझिए। नील की खेती जो थी ये पूर्वी भारत में मतलब जो सो बिहार बंगाल इन क्षेत्रों में शुरू से ही कंट्रोवर्शियल रही। आप जानते हैं कि बंगाल में तो इसके खिलाफ जो है सो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। अगर उसकी नील दर्पण पुस्तक के बारे में अगर हम लोग उसको पढ़ें जो दीनबंधु मित्र की लिखी हुई है, तो उसमें समाज में नील की खेती करने वाले किसानों की क्या स्थिति थी उसका जो है सो विशद विवरण मिलता है। और एक तरह से नील ने बंगाल में जो है सो आंदोलन को बहुत एग्जेजरेट कर दिया था, तो स्थिति जो है सो बहुत विकट हो गई थी। मतलब जो सामान्य सी बात थी उसको बहुत विस्तारित ढंग से जो है सो उसने रखा था। और कहा जाए कि जन आंदोलन के रूप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब आइए बिहार में चंपारण। देखिए बंगाल में जो आंदोलन हो रहा था और बिहार में, दोनों में समय का बहुत अंतर है, लगभग 40 साल का, 40 नहीं 60 साल के आसपास, 50-60 साल का अंतर हो जाता है। बंगाल में पचकठिया पद्धति चल रही थी। 1860 और आसपास के समय में एक बीघा मतलब 20 कट्ठा में से 5 कट्ठा को नील के लिए जो है सो इस्तेमाल किया जाता था, उसको रिजर्व रखा जाता था ताकि नील की खेती प्रॉपर ढंग से हो सके। और उस सालों भर उसको रिजर्व इसलिए रखा जाता था कि अगर जो है सो डिमांड आए तो उसके हिसाब से हम लोग नील सप्लाई कर सके। तो अलग हो गया ये जो है सो खेत का ये हिस्सा। लेकिन 1860 के बाद मतलब इस आंदोलन के चलने के बाद स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। 1867 आते आते ये पचकठिया अब तीन कठिया में परिणत हो गई। तीन कठिया का मतलब है कि तीन भाग रिजर्व करना 20 भाग में, मतलब एक बीघा में से 20 जो बीघा कठ्ठा होता है उसमें से तीन कट्ठा को नील की खेती के लिए रिजर्व किया जाता है। अब आइए ये सब चलता रहा, ठीक है, जब तक खेती होती रही तब तक तो ठीक रहा। लेकिन 19वीं सदी के अंत होते न होते यूरोप के बाजार में जर्मनी ने जो है सो अलग डाई का, जो केमिकल डाई का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उसने नील के बाजार को बहुत ही नीचे गिराया। यानी रंग के लिए जो लोग नील पर ही आश्रित थे अब जो है सो उसकी आश्रितता खत्म हो गई। तो जर्मन डाय के आने से जो है सो बाजार की मांग घट गई। नतीजा क्या हुआ कि नील जो है सो खेती करने का जो है सो बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं रहा, तो इन क्षेत्रों में खेती में बहुत गिरावट आई। अब नील है जो गोरे हुआ करते थे, मतलब जो नील उपजाने वाले थे वो सब जो है सो नील अब उपजाना कम कर चुके थे। लेकिन 1867 में जो व्यवस्था हुई थी कि तीन कट्ठा एक बीघा में रिजर्व रखना है,
इसका ये लोग नाजायज फायदा उठाते थे। और मूल जो मुद्दा था इस चंपारण में आंदोलन का वो यही था तिनकटिया, कि जो अंग्रेज थे वो लोग जो है तीन कट्ठा रिजर्व छोड़ने के लिए कहते थे। तो मान लीजिए किसी आदमी के पास 20 बीघा जमीन है तो वो 3 बीघा को छोड़कर उसको 17 बीघा पर खेती करने का मौका मिलेगा। अब 17 बीघा अंग्रेज लोग जो है सो प्रभावित थे, वो लोग जबरदस्ती उसी जमीन को जो है सो रिजर्व रखने के लिए कहते थे जिसमें की खेती अच्छी होती थी। मतलब जो सबसे अच्छा क्वालिटी का जमीन था उस पर उसको छोड़ने के लिए लोग दबाव देते थे। ऐसी स्थिति में जो है सो किसानों के पास जो है सो बड़ा दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया, तो देखिए समझिए, इसमें खेती दो प्रकार से होती है, एक को कहते हैं जिरात, एक को कहते हैं असामी का। जिरात खेती में होता है कि कोठी वाले जो नीलहे गोरे जिसको हम लोग कहते हैं, कोठी के मालिक थे, उनका खेत था, उसमें जो है सो लोग जाकर मजदूरी करते थे और जो है सो उसके बदले में उनको पैसा मिलता था। दूसरा हुआ असामी का। असामी मतलब कि जो है सो पहले होता था क्या कि कुछ काश्तकारों, कुछ रैयतों को जो है सो नील की खेती करने की जिम्मेवारी दी जाती थी। और ये जो तीन कठिया सिस्टम होता था वो मूल रूप से असामीकार पर ही लागू होता था। तो असामीकार जो लोग थे उनको जो है सो दबाव देकर उतना जमीन जो है सो खेती से वंचित करा दिया जाता था। अब जो है सो लोग छटपट करते थे कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, या तो आप जो है सो उपजाइए नील, नहीं तो हमको अपना फसल करने दीजिए, लोगों का ये कहना था। लेकिन जो है सो एक्सप्लोइटेशन इतना था कि लोग जो है सो मैंने अंग्रेज उसके एवज में धन मांगते थे और उस क्षेत्र में खेती करने के लिए नाजायज दबाव देते थे। तो ये जो है सो वहां का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और इस प्रॉब्लम से जो लोग थे वो बड़ा परेशान रहते थे। तो चला ये बात, राजकुमार शुक्ल जो रिप्रेजेंटेटिव थे इसके किसानों के, वो जो है पहुंच गए 1916 के लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ कि जो है सो उन्होंने गांधी जी का पीछा पकड़ लिया और तब तक उसके पीछे पीछे घूमते रहे जब तक गांधी जी ने खुद हामी नहीं भर दी चंपारण आने। तो एक तरह से कहा जाए कि राजकुमार शुक्ल ने जो है सो गांधी को जो है सो एक तरह से मना लिया। उस लखनऊ अधिवेशन बिहार से नजदीक ही है लखनऊ, तो उसमें बिहार के बहुत सारे लोग जो है सो ये पहुंचे। बिहार से बहुत सारे लोग उसमें पहुंचे थे और उन लोगों ने जो है सो इन चीजों का मांग उठाया था। तो उस समय ब्रजकिशोर प्रसाद जो बिहार के माने हुए नेता थे, उन्होंने इससे संबंधित कुछ प्रस्ताव थे उनको भी पारित करा लिया था। लेकिन राजकुमार शुक्ल उससे संतुष्ट नहीं थे, वो चाहते थे कि गांधी जी एक बार खुद से वहां पहुंचे और जो है सो उस मामले को देखें। तो इस तरह से जो है सो गांधी ने हामी भरी। गांधी जी अधिवेशन के कुछ दिनों बाद जो है सो 17 में कहिए अप्रैल का महीना रहा होगा, अप्रैल 1917 में पटना से होते हुए पटना, मुजफ्फरपुर और उसके बाद चंपारण की तरफ बढ़े। स्थानीय प्रशासन ने गांधी को वहां जाने से रोका, कारण भी था, नीलहे गोरों का दबाव भी था। तो उसने एक ऑर्डर निकाल दिया कि जो है सो कमिश्नर ने चंपारण के, कि गांधी जी को कि यहां पर नहीं आना। लेकिन ये पहला बार ऐसा हुआ
कि जो है सो गांधी जी ने इनकार कर दिया कि नहीं हम इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। देखिए भारतीय राजनीति में इस बात का बहुत महत्व है। इसके पहले एक से एक उग्र नेता हुए थे, तिलक जैसे लोगों ने भी कभी साहस नहीं किया कि सरकार के ऑर्डर को डिसओबे किया जाए। ये पहली बार ऐसा हुआ कि गांधी ने उस ऑर्डर को डिसओबे किया, और यही चीज जो है सो आप फिर बाद में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में भी देखेंगे। तो यहां पर गांधी का जो है सो बहुत ही स्ट्रिक्ट निर्णय हुआ कि किसी भी हालत में हम जाएंगे, आपको जो रोकना है, जो करना है, जैसे करना है कर लीजिए। तो ये एक जो है सो कठिन निर्णय था उस समय। सरकार नहीं चाहती थी, उसका कारण था कि जो है सो बिहार के अधिकांश नेता इसमें जो है सो बहुत सेंसिटिव हो चुके थे, और जो है सो लोग भी सेंसिटिव हो चुके थे। तो अगर गांधी को सचमुच दबाव डालकर दमनकारी गतिविधियों से रोका जाता तो वैसी स्थिति में यहाँ का वातावरण बिगड़ सकता था। इसलिए जो है सो सरकार ने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया और जो है सो अपना ऑर्डर वापस ले लिया। ठीक है, तो फिर जो है सो गांधी जी वहां पहुंचे। गांधी ने क्या किया कि अपने सहयोगियों के साथ वहां चंपारण के अधिकांश गांवों का दौरा किया और हर जगह जाके वहां पर जो है सो उन लोगों ने रिपोर्ट बनाई, लोगों का जो है सो बयान दर्ज किया। सैकड़ों किसानों का उन्होंने जो है सो बयान दर्ज किया। और उनके सहयोगी कौन कौन थे उस समय, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उस ध्यान रखना चाहिए। ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई जो कि उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी थे, इसके अलावा नरहरि पारेख थे और आचार्य जेबी कृपलानी भी थे। तो इन सब ने मिलकर एक एक गांव में घूमने का प्रयास किया और अधिकांश लोगों का जो किसका क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्यूशन हो सकता है, इन सब चीजों का जो है सो बयान दर्ज कराया। ठीक है, तो फिर जो है सो इस सब रिपोर्ट के बाद, बयान दर्ज करने के बाद गांधी को एक्चुअल स्थिति का अनुमान हो गया। तब वो बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड गेट से मिले और एडवर्ड गेट को उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है, आपको इसमें इंटरवीन करना चाहिए। तो एडवर्ड गेट के सलाह पर एक जो है सो चंपारण एग्रेरियन कमिटी बनाई गई। चंपारण एग्रेरियन कमिटी को अपनी रिपोर्ट देनी थी सरकार के समक्ष, और इस समिति में गांधी जी को जो है सो शामिल किया गया, और इसके अलावे कई और सदस्यों को इसमें मेंबर बनाया गया, जैसे एलसी उदामी थे, राजा हरिहर प्रसाद थे, नारायण सिंह थे, डीजे रीड थे और जी रैनी थे। ये सब जो है एक कमिटी का गठन हुआ और इस कमिटी ने पूरे मामले को फिर से री इन्वेस्टिगेट करके 4 अक्टूबर 1917 को रिपोर्ट किया। इस रिपोर्ट में 2-3 बात बहुत इंपॉर्टेंट हुई। पहला बात कि तीन कठिया प्रथा जो थी उसको समाप्त घोषित कर दिया। तीन कठिया समाप्त होने से क्या हुआ कि अब जो है जो नाजायज दबाव पड़ता था वो खत्म हो गया, नंबर एक। दूसरा बात, लगान की दर इन क्षेत्रों में घटाई गई। और तीसरा बात, अब तक जो अंग्रेजों द्वारा की गई थी अवैध वसूली उसमें से 25% वापस करने का निर्देश दे दिया गया इन अंग्रेजों को। गांधी जी इससे संतुष्ट थे, हालांकि लोग जो है सो इसमें से संतुष्ट नहीं थे। इतने में से उनका कहना था कि अवैध वसूली की पूरी रकम वापसी कराई जाए, लेकिन गांधी क्यों संतुष्ट थे? गांधी ने लोगों को मनाया भी, किसानों को, कि जो है सो अगर 25% भी वो वापस कर रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बेइज्जती से वो गुजर रहे हैं। तो एक तरह से उनके लिए, अंग्रेजों के लिए ये बहुत अपमानजनक था कि भारतीयों ने मिलकर उनसे जो है सो 25% की वसूली की, है ना। तो इसलिए जो है सो गांधी इसको और तूल नहीं देना चाहते थे। नतीजा क्या हुआ कि जो है सो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये एक तरह से कहा जाए कि भारतीयों की पहली जीत थी इस तरह की, जिसमें कि जो है सो जना जो है सो एक तरह से कहा जाए कि जन आंदोलन के द्वारा जो है सो इतनी बड़ी मांग मनवा ली गई।
इसमें इसका जो है सो भारतीय इतिहास में चंपारण का यही कारण से महत्व भी है। एकदम से अगर स्पष्ट हम लोग गिनती कर लें कि कौन कौन से क्या क्या बात था इम्पोर्टेंट, तो हम फिर से दोहरा लें, ये सत्याग्रह का भारत में पहला प्रयोग था। दूसरा बात क्या खास था कि शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से विरोध किया गया। तीसरा बात क्या हुआ था कि ये जो प्रतिरोध था इसमें कहीं पर भी उग्रता नहीं दिखी, ठीक है, प्रक्रिया बिल्कुल लोकतांत्रिक रखी गई। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है कि पूरे समाज मतलब चंपारण के पूरे किसानों का ये जो है सो इसमें भागीदारी था, तो एक तरह से कहा जाए कि बड़ी जनभागीदारी इसमें रही। और यही तरीका जो सक्सेस हुआ ये बाद के काल में पूरे जो है सो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये जो है सो तरीका अपनाया जाने लगा। इसमें दो बात था कि दमन की संभावना कम थी अपनी बात रखने, इसलिए जो है सो गांधीवादी चरण में आप देखिए असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, इन सब आंदोलनों में इस तरीके को अपना लिया गया। तो गांधी का फिलॉसफी ही उस समय के बाद यही इम्प्लीमेंट हो गया, सत्याग्रह, ठीक है ना। तो हमको लगता है कि हम लोग जो है सो इस विषय में कुछ बातों को चर्चा कर पाए हैं। धन्यवाद।